birthday Naya. Happy birthday Naya. Happy birthday. Handshake कर लो. केक कटोगी? कैसे कैसे कैसे? बलून है वहाँ. अच्छा आओ, हाँ दिखाओ. लाइट तो ऑन कर लो. आई वाह, अच्छा है. तुम्हारा ड्रेस इसी कलर का है इनाया? वाह, ड्रेस लेके आओ. ड्रेस दिखा दो, ड्रेस दिखा दो, अपना ड्रेस दिखा दो, लेके आओ. ओके ओके, दिखाओ अपना ड्रेस. ओ वाओ, पीछे करो. वाओ, और क्लिप कहाँ है तुम्हारा? हेयर बैंड क्लिप दिखा दो, हेयर बैंड दिखा दो. दिखा दो, दिखा दो. देखो, वाओ, कौन सा कलर का ड्रेस है तुम्हारा? पर्पल. पर्पल नहीं, पर्पल. अस्सलाम वालेकुम. हाय एवरीवन, क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे. तो आज माशाल्लाह से इनाया 3 साल की हो गई. आज उसका बर्थडे है और पता ही नहीं चला कब 3 साल की हो गई. मतलब ऐसा कि टाइम गुजरते बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कितनी जल्दी टाइम गुजर रहा है. कल को ऐसा था कि मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती थी, बट अब ऐसा है कि मेरे बच्चे बड़े हो गए और अब उसका मैं बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हूँ. मतलब बहुत जल्दी गुजर रहा है टाइम. तो खैर, अल्लाह पाक उसको अच्छी सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, इल्म दे अच्छी, और मुझे इतनी ताकत दे कि मैं उसकी अच्छी परवरिश कर सकूं. जैसा अभी टाइम चल रहा हो उस टाइम के हिसाब से मैं उसकी अच्छी परवरिश कर सकूं. आमीन सुम्मा आमीन. आप लोग भी उसके हक में अच्छी दुआएं करिए और अल्लाह उसको बुरी बलाओं से, बुरी नज़रों से, बुरी चीज़ों से बचाए रखे. तो यहाँ पे अभी मैं तैयारी करने लगी हूँ किचन के काम, जो कि आज मैंने छोटी सी दावत रखी. वैसे बर्थडे के लिए तो दावत नहीं रखी थी, दावत मैंने रखी थी बहुत पहले, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था तो मैंने आज के ही दिन उन लोगों को बुला लिया. और कुछ खास सेलिब्रेशन नहीं है, बस कुछ जो तो 3 लोग हैं करीब के, बस वही उन्हें ही मैंने बुलाया है. तो यहाँ पे बस चिकन को मैं मैरिनेट कर रही हूँ और यहाँ पे मैंने चिकन का जो है फजीता बनाना है. तो चिकन में मैंने डाल दिया है सोया सॉस, विनेगर, उसके बाद इसमें डाला है मैंने ब्लैक पेपर, रेड चिली फ्लेक्स, पेपरिका पाउडर, गार्लिक पाउडर और सॉल्ट. उसके बाद मैंने इसमें ऑयल शामिल करके इसे मैरिनेट करने के लिए 1 आवर्स के लिए रख दिया है. तो मैरिनेट करना बहुत ज़रूरी होता है, इसमें टेस्ट जो है वो इन्हेंस हो जाता है. आप ज़्यादा से ज़्यादा देर कर सकते हैं, तो मैंने बस 1 आवर्स के लिए रखा. उसके बाद देखें यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून ऑयल डाला है एक तरफ, और एक तरफ थोड़ा ज़्यादा ऑयल डाला है. तो यहाँ पे मैंने अनियन शामिल की है. अनियन को मैं पिंक कर लूंगी पहले. और दूसरी तरफ मैंने 2 बड़ी साइज की अनियन को मैं फ्राई करने के लिए रखी हूँ. उस तरफ मैं बना रही हूँ चिकन का भुना और यहाँ पे मैं बनाऊंगी चिकन फजीता. तो अनियन देखे पिंक हो गया, तो इसके बाद मैंने इसमें ग्रीन चिली डाल दी है, कैप्सिकम डाला है और इसमें अब मैं बेल पेपर डालूंगी रेड एंड येलो. तो इन सबको बस थोड़ा सा फ्राई करना है, उसके बाद इसमें मैं जो मैरिनेट किया हुआ चिकन है उसे डाल दूंगी. दूसरी तरफ जो है वो अनियन को थोड़ा गोल्डन करना है, उसके बाद मैं उसमें चिकन डालूंगी. और यहाँ पे जो वेज है उसमें मैंने बस थोड़े से हाफ चम्मच मैंने गार्लिक पाउडर, हाफ चम्मच मैंने ब्लैक पेपर पाउडर, पेपरिका पाउडर मैंने डाल दिया है. तो ये टोटल अमाउंट जो है इसका छोटे चम्मच से 1.5 चम्मच होगा. 1 चम्मच लगेगा मैरिनेट के टाइम में और हाफ चम्मच लगता है जब आप वेजेस को फ्राई कर रहे हो तब. तो क्वांटिटी मैंने, मेरी क्वांटिटी जो है वो बहुत कम की थी, उस हिसाब से मैंने 1.5 चम्मच रखा. अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हो, जैसे ये मेरे 1/2 kg के करीबन था और बोनलेस मैंने चिकन लिया है, अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हो तो बस थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ा देनी है. अब इसमें मैंने चिकन डाल दिया है, चिकन को अच्छे से फ्राई करना है और ये धीमी आंच में बस इसे मैं
पकाना के लिए रख दूंगी ढककर। तो ये खुद ही पकना शुरू हो जाएगा और 10 से 15 मिनट में ये तैयार हो जाएगा। उसके बाद मैं इसमें पास्ता बॉईल करूंगी और पास्ता डालकर उसके बाद उसमें मायो और चीज डाल दूंगी, तो ये चिकन फजीता पास्ता भी रेडी हो जाएगा। अब दूसरी तरफ जो मैं चिकन बना रही हूँ, चिकन का भुना, इसकी रेसिपी भी मैंने शेयर की है। फिर से मैं बहुत दिनों बाद में बना रही हूँ, तो मैंने पहले कर लिया है फ्राई अनियन को, उसके बाद चिकन को मैंने इसमें डाल के फ्राई कर लिया है 2 मिनट के लिए। इसके बाद मैं इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट, टमाटर, हल्दी और मिर्च और नमक डालकर मैं इसे फ्राई कर लूंगी। भूनने के लिए मैं छोड़ दूंगी 10 मिनट के लिए। ये देखिए यहाँ पे भून चुका है। अब इसमें जो है वो फाइनली मैं डालूंगी स्मोक किए हुए जीरा, रेड चिली सूखी हुई और उसके बाद गरम मसाले जैसे कि इलायची, लौंग और दालचीनी। तो इसको स्मोक करना है, थोड़ी देर रोस्ट करना है, उसके बाद इसमें चिकन में डालना है। चिकन भुना रेडी हो जाएगा। बहुत ही अच्छा स्मोक सा फ्लेवर आता है इस ये प्रोसेस करने में। उसके बाद यहाँ पे देखें, मैं सामी कबाब का भी मैंने मिक्सर बना के रख दिया था। इसमें मैंने बस ब्रेड क्रम्स डाले हैं और इसे मैं शेप करके जो है वो फ्रिज में रख दूंगी। तो जब गेस्ट आ जाएंगे बिल्कुल खाने के टाइम पे इसे मैं गरम गरम फ्राई कर लूंगी। तो ये सारे प्रोसेस आगे से करने से बहुत ही इजी हो जाते हैं, काम जो है वो आसान हो जाता है। तो इसका मिक्सर मैंने एक दिन पहले ही रेडी कर लिया था, बस शेप मैंने आज दे दिया है। और उसको यहाँ पे देखिए खीर भी बन गया है। मैंने इस बार खीर जो है वो राबड़ी बादामी स्टाइल में बनाया है। इसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह मैं कभी और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, टाइम बिल्कुल नहीं था इसलिए मैं इसे की रेसिपी आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर पा रही हूँ। दूसरी तरफ मैंने जो है वो बिरयानी बनाना स्टार्ट कर दिया था, तो बिरयानी की रेसिपी तो मैं अक्सर आप लोगों के साथ शेयर करती ही हूँ। यहाँ पे मैंने अपना कपड़ा जो है वो निकाल लिया है और ये जो ड्रेस है ये मैंने लुलू से लिया था। तो ये लॉन्ग फ्रॉक है, बिल्कुल नेवी ब्लू कलर का है। इसके साथ मैं व्हाइट कलर का कॉम्बिनेशन करूंगी, व्हाइट पैंट एंड साथ में दुपट्टा व्हाइट, तो ये अच्छा लगेगा। सारे काम हो गए, बिरयानी को बस मैंने दम पे रखा हुआ है और बस यहाँ पे जो है वो साफ सफाई अभियान बाकी है। तो बेडशीट वगैरह चेंज करना है, वैक्यूम करना है और एक और काम था, ये है बलून का, क्योंकि एक इंसान पे सारे काम जो है वो पड़ जाते हैं। तो मेरे साथ यही है, सारा काम मुझ पे आ जाता है जब कोई गेस्ट को बुलाना होता है या दावत रखनी पड़ती है, तो बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ता है मुझे सारे काम। तो बस ये काम जो है, ये दो काम बच गया था, साफ करना था घर को और ये बलून। तो इस बार मैंने ना बलून वगैरह जो है वो पर्पल कलर से ही मैच करके लिया है, क्योंकि ड्रेस जो है इनाया का पर्पल है, तो मैंने सोचा कि बलून जो है वो भी मैं पर्पल में मैच करूं, थोड़ा अच्छा लगेगा। व्हाइट एंड पर्पल का मिक्स किया। मैंने कैंडल भी जो है वो पर्पल लिया था, लेकिन इत्तफाक ये हो गया कि केक जो है वो पिंक कलर का आ गया। खैर ये अगर मेरे हाथ पे रहता, केक लाने अगर मैं जाती तो मैं कोशिश करती कि केक भी पर्पल लूं, लेकिन अब मेरे हस्बैंड लेकर आए तो उनको बस जो पसंद आया उन्होंने ले लिया। खैर ये भी अच्छा लग रहा था पिंक कलर का। ऐसे जोर से, जोर से, जोर से, ऐसे जोर से फूको, जोर से फूको, सामने आके नजदीक आ, नजदीक आ, जोर से फूको, नजदीक आ, ऐसे फूको, ऐसे 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 और नजदीक फूको, अरे तुम फूको, हम ट्राई करते हैं। Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Thank you. तो ऐसे ले लो, तो ऐसे ले लो, तो केक कटिंग हो गया सब कुछ। अब जो है वो है डिनर का टाइम और यहाँ पे देखिए माशाल्लाह से मेरा दस्तरखान जो है वो रेडी हो गया है और सारे डिशेस भी अच्छे से बन चुके हैं। ये है चिकन फजीता पास्ता और उसके बाद मैंने बनाया मटन बिरयानी, चिकन भुना है, साथ में है सामी कबाब और बादामी राबड़ी खीर, सैलेड, रायता, कोल्ड ड्रिंक्स। तो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा लुक लग रहा है, खाना भी बहुत अच्छा बना था। स्पेशली चिकन फजीता पास्ता ये आप जरूर ट्राई करें, बहुत ही अच्छा है। इसको सब आप ऑरिगेनो और चीज और मायो से कर दें। तो यहाँ पे मैं अपने ब्लॉग को करती हूँ इन, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।